हेलो दोस्तों, आई एम पूजा सिंह। आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में जो हमारे आसपास की चीज़ें घटित हो रही हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये पिछले 24 आवर्स का ऑब्जर्वेशन है। मैं कल रास्ते में जा रही थी तो मैंने देखा कई सारे ट्रैक्टर्स में लोग भर भर के लेडीज़ और जेंट्स आपस में इकट्ठे हुए, मतलब बहुत सटे सटे बैठकर लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों से आ रहे हैं, कई लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं अभी भी। तो पता नहीं क्यों जो हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मुझे वो बिल्कुल भी होता नहीं दिख रहा है। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के लिए जो भी एडवाइजरी की जारी की गई है सरकार के द्वारा, उसको बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है। अरे हमें तो कोरोना हो गई नहीं, हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन आप ये समझिए, ये वायरस अदृश्य है, ये कभी भी किसी को कहीं पर भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो हमें प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, मतलब जो आलू खोद रहे हैं, आजकल आलू की बहुत ज़्यादा खुदाई हो रही है, तो क्या है लेबर को पता ही नहीं है कि आसपास चल क्या रहा है। उन्हें सुबह खेत में आना है, आलू खोदना है, शाम को वापस जाना है, नहा धो के खाना खा के सो जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। साथ ही बहुत ही लेबर जो हैं वो बड़े शहरों से अपने घरों को वापस आ रहे हैं, उनके घर भी अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और अब मुझे ये नहीं पता है कि वो लोग क्वारंटाइन पीरियड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हमें खुद में भी अवेयर होना है ताकि हम खुद क्या कहते इस लेवल की प्रिकॉशन लें कि इस वायरस को फैलने से हम रोक सकें। तो मेरी यही आप लोगों से सलाह है कि जो लोग भी अगर इस तरीके से आ रहे हैं बाहर से, तो हम समय रहते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके बारे में जानकारी भी दें कि इतने लोग बाहर से आए हैं, और इन पर ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का जो थ्योरी चल रही है, उसको लेकर भी बहुत हम लोगों को सीरियस होने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में देखने को नहीं मिल रही है। तो आप लोग अभी भी समय है, अवेयर हो जाइए। और इससे लड़ने का सबसे बड़ा उपाय बचाव ही है। बचाओ बचाओ और सिर्फ बचाओ।